नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आज ईद है, आप सभी को ईद मुबारक। इस समय जो तमाम जो आवाम है ऐशबाग ईदगाह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर लोग नमाज़ अदा करने जा रहे हैं और ईदगाह खुशी का दिन है। लेकिन मैं बता दूं कि लखनऊ में महापौर का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में तमाम पार्टियाँ चुनावी दावेदारी कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से संगीता जायसवाल जी हैं और उनको लेकर के लोगों में क्या राय है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इस बार जो एक प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि उसके पीछे उनके जो पति हैं राजेश जायसवाल जी, जो ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, तमाम मुद्दे लोगों से बातचीत करते हैं, आवाम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम आपका? मैं संदीप। एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो, और इस बार चुनाव है लखनऊ में, महापौर का चुनाव है, क्या माहौल है, लगता है कौन सी प्रत्याशी होंगी जो अच्छा करेंगी, और बीजेपी का 25 साल का जो रिकॉर्ड है टूटने जा रहा है, क्या माहौल है इस बार? हाँ बिल्कुल, माहौल है। पहले तो ईद को सभी को मुबारकबाद, और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो है पूरा रिकॉर्ड टूटेगा। ऐतिहासिक वोटों से जो इस समय कांग्रेस की प्रत्याशी हैं संगीता जायसवाल जी, वो जीतने जा रही हैं, क्योंकि वर्षों से लगभग 20-25 सालों से यहाँ पे बीजेपी काबिज है, लेकिन जो ग्राउंड पे कार्य है, चाहे वो पानी का हो, है ना, चाहे जो है घर का टैक्स में हो या किसी चीज़ में हो, तो उसका जो है कोई काम मतलब जो है नहीं हुआ है। तो इस बार जो है जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो बहुमत के साथ जीतेंगी, और जो भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी साथी आ रहे हैं, सब ने मन बना लिया है कि इस बार जो है भाजपा को हटाएंगे और हम कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे। लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी है, लेकिन क्या लगता है कि 24 के चुनाव के पहले कांग्रेस पर भरोसा जताएंगे और लखनऊ की महानगर की जो सीट है कांग्रेस के खाते में जाएगी? देखिए, ये तो पहले से जो महानगर की सीटें रही हैं उस पर अधिकतर भाजपा और कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस का इस बार इसलिए चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की जनता जो है भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत नाराज है, जनता चाह रही है, हाँ, और बीजेपी जो कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात है, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं यहाँ की, वो उत्तराखंड की हैं बताते हैं, बाहर की हैं। तो जनता एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहती है जो उसके घर का हो, जो उसके नज़दीक का हो, क्योंकि जब किसी का सुख दुख की बात आएगी तो पहले घर का होगा, पहले बाहर का नहीं होगा। इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको इस बार जो है वोट देगा जो है यहाँ की जनता, और उनको चुनाव में विजयी बनाएगा। और क्या लगता है कि शिक्षा को लेकर के या तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, उसको लेकर के क्या माहौल है इस बार, जनता कितनी नाराज है, खुश है? देखिए, जनता जो है आवारा पशुओं को लेकर के बहुत नाराज है। जगह जगह जो है आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है, आवारा मवेशी घूम रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। फिर जो है इस बार संगीता जायसवाल जी जो विभिन्न मुद्दों को ले करके चल रही हैं, इसके पहले आपने देखा हो कोरोना काल में उनके जो पति राजेश जायसवाल जी हैं, उन्होंने, उनको ऑक्सीजन मैन कहा गया, उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारी मदद की है, और वैसे भी समाज सेवा के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने संघर्ष किया है, कार्य किया है। तो इस बार जनता ने मन बनाया है कि हम जो है कांग्रेस को वोट करेंगे और उनको भारी मतों से जिताने की कोशिश। बीजेपी को काम नाम के मामले में कितने नंबर दस में से बीजेपी? मैं तो बीजेपी को 0 नंबर दूंगा काम के मामले में, बिल्कुल। चलिए, ये ऐशबाग की आवाम है, इनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने, क्योंकि ईद का आज त्यौहार है, सब लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल भी है। चुनावी माहौल में तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने लोगों के पास पहुंच रहे हैं, आवाम के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को यहाँ पर मतदान है, आप मतदान करने जरूर जाइएगा। 13 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके पहले एक और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग जल्दी में, फिलहाल लोगों को नमाज के लिए देरी हो रही है, बातचीत करने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ऐशबाग में मौजूद था, अभी के लिए नमस्कार।